में चंवर लिए स्वागत में खड़ी रहती है, जिसके मैदानों में उतर कैलाश पुत्री गंगा विस्तृत हो मंद गति से बहने लगती है, जिसने विश्व को मानवता का दर्शन दिया, जो धर्म ज्ञान विद्या और साहस की धरती है, मैं वही भूमि हूँ। वेदों पुराणों ने मेरी गाथा गाई है, मैं ही विदेह हूँ, मैं ही वज्जी हूँ, मैं ही मिथिला मगध और अंग हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ। ये धरती जनक नंदिनी सीता की है, यह अशोक महान चाणक्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भूमि है, जिन्होंने शकों हूणों को पराजित किया, ग्रीक लड़ाकों से लड़ाइयां लड़ी और उन्हें धरती की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। धर्म और संस्कृति की मेरी इस धरती पर ज्ञान की खोज में बेचैन भटकते बुद्ध के जब चरण पड़े, तब ज्ञान की किरण फूटी, महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुआ। गया और राजगीर की पहाड़ियों में घूम घूम कर बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया और बिहार के जनपद से निकला सत्य अहिंसा मानवता का मंत्र पूरी दुनिया में छा गया और गूंज उठा बुद्धम शरणम गच्छामि। सिर्फ महात्मा बुद्ध ही नहीं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भी मेरी ही धरती वैशाली पर जन्मे थे और यहाँ पाटलिपुत्र की इसी धरती पर पैदा हुए थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण की मेरी धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी के कदम पड़े, अंग्रेजी तमन और नील की खेती पर मजबूर किसानों की भूख मरी और बदहाली देख गांधी जी हिल उठे और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का शंखनाद कर दिया। संघर्ष का हथियार था सत्य और अहिंसा, चंपारण की धरती पर किया गया सत्य अहिंसा का पहला प्रयोग। यह धरती संग्राम और संघर्ष की प्रतीक बन गई। चंपारण की धरती ने मोहनदास को महात्मा बनाया और संघर्ष के रास्ते पर चल बिहार। अपने पुरखों की परंपरा और गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए बिहार की वर्तमान सरकार न्याय के साथ विकास और साथ निश्चय की बनाई अपनी रूपरेखा के अनुसार बिहार की तरक्की और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के कार्य में लगी है। बिहार के सभी जिलों में सड़कों और पुलों का जाल बिछाकर सड़कों के आवागमन को सुरक्षित और सुगम किया जा रहा है। सुदूर के क्षेत्र राजधानी से 5 घंटे में जुड़ गए हैं, ये लक्ष्य भी निर्धारित हुआ है। पुलों और फ्लाईओवरों के निर्माण से कटे क्षेत्रों को जोड़ा गया है। हर घर बिजली लगातार योजना के कारण पिछले वर्षों में न सिर्फ बिजली की खपत दुगनी हुई बल्कि उपभोक्ता को मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। जलवायु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत बिहार सरकार ने जल जीवन और हरियाली की अपनी दूरदर्शी योजना का संचालन कर टिकाऊ भविष्य की दिशा में प्रतिबद्ध कदम बढ़ाया है। इस योजना के तहत जल के संरक्षण, संचयन, जल की उपलब्धता, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई के वैकल्पिक और वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देकर आने वाले भविष्य की बेहतरी को अभी से सुनिश्चित किया जा रहा है। बिहार की धरती चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जरी के जनक सुश्रुत की धरती है। उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हुए बिहार की वर्तमान सरकार ने अपने लोगों के जीवन को निरोग और स्वस्थ बनाने के लिए शुरुआत से ही प्रतिबद्ध कदम उठाए हैं। लोगों को आधुनिक चिकित्सा के लिए बाहर न जाना पड़े, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी जरूरत को पूरा किया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य की जरूरत को देखते हुए
5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में भी तीव्र गति से काम हो रहा है। गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए आधी आबादी की मांग पर बिहार की वर्तमान सरकार ने कानून बनाकर संपूर्ण शराबबंदी लागू कर बिहार के भविष्य को नशे के उन्माद से बाहर लाने का नेक काम किया है। शराबबंदी सामाजिक अभियान बन गया है। पारिवारिक हिंसा सामाजिक अपराध में तो कमी आई ही है, परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है और प्रतिदिन दमित होने वाले महिलाओं के सम्मान में इजाफा और उत्थान भी हुआ है। 4,500 साल पुराने गौरवशाली बिहार में जिस प्रगति, समता और न्याय के चक्र को अशोक महान ने अपने स्तंभों पर उकेरा था, वो फिर तेज गति से चल पड़ा है। ये चक्र भूतकाल के गौरवशाली इतिहास का चक्र है। ये चक्र है वर्तमान सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्य और लोगों के जीवन के हर पहलू को बेहतर करने के उनके अथक प्रयास का। हम तो बस एक झलक मात्र दिखला पा रहे हैं। ये चक्र वर्तमान सरकार में की गई प्रगति, न्याय और समता का चक्र है। ये चक्र है सुनहरे भविष्य की वर्तमान दृष्टि का। आज बिहार हर तरफ से सुरक्षित और मजबूत हाथों में है। तभी तो हर कंठ पुकार उठता है, दिल से बिहार, हर दिल में बिहार। आइए सब मिलकर आवाज लगाइए, जय बिहार।